नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप चाहे जेंट्स स्वेटर में डालिए, लेडीज स्वेटर में डालिए, चाहे बच्चों के स्वेटर में डालिए, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा और इसे बनाना भी बहुत आसान है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी फंदे ले सकते हैं। तो डिज़ाइन के पहले लाइन में हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप किया, सभी फंदा सीधा बुनते हुए लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदों को, पहला फंदा को ऐसे स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे, यानी रॉन्ग साइड से भी हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया, पहला फंदा और आखिरी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमारे ये दो लाइन कंप्लीट हो गए। तीसरी रो में हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे। तो हमने अपना दूसरा कलर अटैच कर लिया, पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे या स्लिप करेंगे या सीधा बुनेंगे। अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, लेकिन एक ये जो उल्टा हमको फंदा दिख रहा है उसी के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और इसे ऐसे सीधा, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा एक लाइन नीचे से सीधा। देखिए ये जो ये उल्टा फंदा दिख रहा है इसके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा एक लाइन नीचे से सीधा, नेक्स्ट फंदा सीधा, अगला फंदा एक लाइन नीचे से सिलाई डालेंगे और देखिए ऐसे सीधा बनाएंगे। अगला फंदा जैसे हम सीधा बनाते हैं वैसे ही नॉर्मली सीधा बुनेंगे, और एक फंदा ये जो उल्टा फंदा ये आया है इसके नीचे यहाँ छेद दिखाई दे रहा है, इसमें हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। नेक्स्ट फंदा नॉर्मली सीधा, अगला फंदा उल्टा फंदा ये जो दिखाई दे रहा है उसके नीचे ऐसे ये जो छेद दिखाई दे रहा है इसमें हम सिलाई डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा नॉर्मली सीधा, तो एक फंदा एक लाइन नीचे ऐसे सिलाई डाल के तब सीधा हमें बनाना है, और अगला फंदा जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे नॉर्मली सीधा, एक फंदा ऐसे एक लाइन नीचे सिलाई डाल के तब सीधा बनाना है, अगला फंदा नॉर्मली सीधा। तो दो ही लाइन, दो ही फंदे हमको बुनने हैं, एक लाइन एक फंदा एक लाइन नीचे सिलाई डाल के सीधा, अगला फंदा सीधा, एक फंदा एक लाइन नीचे सिलाई डाल के सीधा और अगला फंदा सीधा। दो ही फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे या उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदे सीधे। और लास्ट फंदा
उल्टा। अब फिर हम राइट साइड में आ गए और देखिए एक उल्टे फंदे की ये धारी बन गई है। तो अब हम अपना प्राइमरी कलर लेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे। ये एक एज स्टिच है उसको सीधा बना लेंगे और अगले फंदे को सीधा बना लेंगे। ये दो फंदे हो गए। अब नेक्स्ट फंदे में हमें एक लाइन नीचे ऐसे देखिए ये जो छेद दिखाई दे रहा है ये उल्टा फंदा ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे यहाँ से सिलाई डालेंगे और एक लाइन नीचे ऐसे सिलाई डाल के एक सीधा फंदा बना लेंगे और अगला फंदा सीधा। नेक्स्ट फंदा ये देखिए एक लाइन नीचे ये देखिए ये ऐसे बना हुआ है। यहीं पे हमें सिलाई डालना है और सीधा फंदा बना लेना है। अगला फंदा नॉर्मली सीधा। एक फंदा एक लाइन नीचे सिलाई डाल के सीधा और अगला फंदा सीधा। एक फंदा एक लाइन नीचे सिलाई डाल के सीधा अगला फंदा नॉर्मली सीधा। और लास्ट फंदा आया जिस स्टिच है उसे हम सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। शेष सभी फंदे सीधा बनेंगे। इस डिजाइन में हम दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनेंगे। हमें रॉन्ग साइड से भी सीधा ही बुनना है और राइट साइड से भी हमें सीधा ही बुनना है। दोनों साइड से ये इस डिजाइन में हमें सीधा सीधा ही बुनना है। सभी फंदे सीधा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदे को ये एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से बुनेंगे। स्टिच है इसे सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे में एक लाइन नीचे आके सिलाई डालेंगे और तब एक सीधा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट फंदा यानी तीसरा फंदा उसे नॉर्मली सीधा। नेक्स्ट फंदे को एक लाइन नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा नॉर्मली सीधा। नेक्स्ट फंदा एक लाइन नीचे सिलाई डाल के तब सीधा बनाएंगे। अगला फंदा नॉर्मली सीधा। तो दो ही फंदे का ये डिज़ाइन है और एक ही लाइन का। और एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। दो ही फंदे का ये डिजाइन है। एक नॉर्मली सीधा बुनना है और एक जो है ये देखिए जो ऐसे बना है देखिए एक ये छेद की तरह बना है इसी में हमें सिलाई डालना है। इसी में एक लाइन नीचे सिलाई डालेंगे और तब सीधा बनाएंगे। देखिए अगला फंदा नॉर्मली सीधा और यहाँ देखिए ये ऐसे बना हुआ है इसी में हमें ऐसे सिलाई डालना है और एक सीधा फंदा बनाना है। इसी फंदे में जो ऐसे बना हुआ है एक छेद की तरफ बना हुआ है इसी फंदे में हमें ऐसे सिलाई डालना है और एक लाइन नीचे सिलाई डाल के और सीधा बुनना है। अगला फंदा नॉर्मली सीधा। नेक्स्ट एक लाइन नीचे सिलाई डाल के तब सीधा। अगला फंदा नॉर्मली सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे सीधा बना लेंगे। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा लास्ट फंदा उल्टा और बीच के सभी फंदे सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स डिजाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। जब हम प्राइमरी कलर से बना रहे हैं तो दो फंदा सीधा बनाने के बाद तीसरे फंदे में डिजाइन बना रहे हैं। ये देखिए हमारा ये तीसरा फंदा
और जब हम सेकेंडरी कलर से बना रहे हैं तो एक फंदा सीधा बनाने के बाद दूसरे फंदे में बना रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंदा ड्राप करना है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।